हॉस्पिटल। सर शिक्षा विभाग में अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 40% स्टाफ की कमी है, उसे पूरा करने के लिए क्या किया जाए? देखिए अभी पिछले प्लान में हमने 50,000 से भी ज़्यादा भर्तियाँ एजुकेशन में की हैं, और अभी बहरहाल JBT की तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी, यहाँ कोई टीचर होगा तो बता भी देगा, JBT में तो हमारे पूरे हैं, लेकिन TGT और PGT और लेक्चरार की शॉर्टेज है। लेक्चरार के लिए भी हमने 2592 कंडीशन का वो कर दिया, एडमिशन कर दिया, जल्दी हम भर्ती करेंगे और आने वाले टाइम में जहाँ भी जितनी भी कमी है उसको पूरी करेंगे। अगर शिक्षा की बात करूँ तो 7 PO में से सिर्फ एक ही PO है, 6 पद जो है खाली, उसके बारे में क्या है? कितने PO? कोई नहीं, मैं दिखवाऊंगा उसको, अगर इतनी शॉर्टेज है कि 7 में से एक ही है तो फिर तो गंभीर है वैसे। वाकई बड़ागुड़ा खंड की बात करूँ तो सर 18 में से हेडमास्टर जो है सिर्फ एक ही, हेडमास्टर की काफ़ी शॉर्टेज है, अभी हमने प्रमोट किए काफ़ी हेडमास्टर, और जहाँ बड़े स्कूल थे जहाँ की जो स्ट्रेंथ थी 350 से ज़्यादा थी वहाँ हमने सारे उनको भेजा, अभी कुछ और प्रमोट लग रहे करने, तो उसके बाद अभी खैर सुविधा में तो अब भी नहीं होंगे हम इनको प्रमोट करने के बाद भी, फिर भी शॉर्टेज तो काफ़ी रहेगी, लेकिन पिछले टाइम में कुछ इस प्रकार की अनदेखी की गई, भर्ती नहीं की गई, पिछली सरकार ने काफ़ी भर्ती की और काफ़ी इसको हमने कर दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आने वाले टाइम में ना 2 साल में हम सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी समस्या रहेगी नहीं, ना टीचर की कमी रहेगी और ना ही कहीं बिल्डिंग की समस्या रहेगी। और यूँ बात करें तो बेरोजगार को टीचर की ज्वाइनिंग ना करवाकर रिटायर्ड कर्मचारियों को ही नहीं, देखिए उसमें दो है, दो समस्याएं, देखिए जब कोई भर्ती करनी होती है ना उसकी एक प्रक्रिया है, तो उसमें एक टाइम लगता है कि सारा सिस्टम है कि जैसे उसका टेस्ट भी लेना है, इंटरव्यू लेना, सारा कुछ है, लेकिन किसी को अभी जरूरत है तो वो एक ट्रेन टीचर है उसको हम थोड़े टाइम के लिए रखते हो, कोई परमानेंट नहीं रख रहे उसको, वो 6 महीने के लिए है, साल के लिए है, जब तक हमारे पास टीचर नहीं तब तक, जैसे अभी मैंने घोषणा की थी कि जिन स्कूल में टीचर नहीं है तो हमने सरपंचों को कहा कि सरपंच ही उसको रख लेंगे, तो 2 महीने के लिए रखना वो रख लेंगे, कम से कम अगर कुछ भी नहीं है तो कोई है थोड़ा बहुत पढ़ाने वाला, जो भी गांव में लड़की है लड़का है अच्छा पढ़ा लिखा है वो पढ़ा देगा 2 महीने, हम ये मान रहे कि वो सेवा करने लग रहा और थोड़ा बहुत हम कर देंगे उसको, मान दे देंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में एक टाइम लगता है, उसके कारण ही हम जो है जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है आगे आने वाले टाइम में ना जब हमारे पास पूरे हो जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी। शिक्षा में विस्तार के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं? देखिए शिक्षा के लिए जैसे पहले साइंस के स्कूल काफ़ी बंद हो गए थे, उसका कारण एक था कि कहीं टीचर थे तो बच्चे थे, बच्चे थे तो टीचर थे, तो अभी हमने किया कि क्लस्टर वाइज हमने एक साइंस का स्कूल खोलने की घोषणा की, क्लस्टर पहले ही बने हुए हैं और उसके बीच में एक स्कूल खोल लेंगे ताकि उसमें ना तो बच्चों की कमी रहने की ना ही टीचर की, बच्चे भी 6 लगभग 11-12 स्कूलों के बीच में या 10 स्कूलों के बीच में क्लस्टर है तो वहाँ बच्चे भी पर्याप्त होंगे और स्टाफ भी पर्याप्त होगा, और हमने विश्वास दिलाया कि कहीं भी स्टाफ की कोई कमी उसमें रहने नहीं देंगे ताकि उनको सही शिक्षा मिले। अब होता क्या है कि अगर टीचर नहीं है, मान लो 6 टीचर की जरूरत है, 3 या 4 हैं, तो जब वो बच्चा प्लस टू करने के बाद जाता है तो फिर साइंस में चलता नहीं है, तो वो किसी साइड का भी नहीं बचता, ना वो साइंस का रहे, ना वो आर्ट का रहे, ना वो कॉमर्स का रहे, तो उसमें टीचर पूरे होने चाहिए, और मेरा इस पर विशेष ध्यान है कि भाई टीचर हर जगह पूरे होने चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ कि अगर कहीं कम बच्चे हैं चाहे स्कूल बंद करना पड़े, लेकिन जहाँ स्कूल है तो वहाँ टीचर पूरे होने चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।